दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा होगा, मैंने एक सेल की वीडियो भी डाला था। तो अभी मैंने कुछ घंटे पहले ही सेल की वीडियो डाला था। तो कुछ कबूतर हैं जो कि भाई बुक हो चुके हैं, और कुछ कबूतर हैं कि भाई मैं एक या दो दिन बाद खुद ही सेल कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको अपनी लॉफ्ट की अपडेट दूंगा, और नए कबूतरों के भी पर खोलना है तो आपको वो भी बताऊंगा। और मैंने एक सेल की वीडियो में बताया था कि भाई ये कबूतरी अंडे देने वाली है, तो भाई चलिए चेक करते हैं कि उसने अंडे दिए या नहीं दिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी भाई मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर अपन अपने कबूतरों को खोल लेते हैं, और फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि भाई गुड न्यूज़ क्या है, और अपन को जो कबूतरों के पर खोलना है वो कौन कौन से कबूतर हैं। वो के कम से कम मैं शायद 3 कबूतरों के पर खोलूंगा। तो सबसे पहले अपन पानी साफ़ रख देते हैं, 1 या 2 घंटे के लिए मैं पानी अंदर रखता हूँ कि प्यास ना लगे। लेकिन क्या करते हैं ये लोग कि 2 घंटे में ही पूरा पानी गंदा कर देते हैं। तो साफ़ पानी भर देते हैं अपन। और ये पता नहीं आज बाहर क्यों नहीं आ रहा। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे सभी कबूतर बाहर आ रहे हैं। दोस्तों ये नए कबूतरों को अभी मैं बंद इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ब्लू बाल जो है वो इसमें घुस जाता है। तो उस इन लोगों को क्या बंद रखना पड़ता है, नहीं तो ब्लू बाल घुस के इनको भगा देता है और खुद जाके बैठ जाता है। और ये जो नए मेरे सेंटीनेट कबूतर हैं, ये भाई शायद बुक्ड हैं और एक जगह पे बात चल रही है। तो हो सकता है आज की वीडियो के बाद शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ना देखने को मिले, अगर भाई ने नहीं ली, अगर ले लिए तो नहीं लिए तो फिर आपको अपने घर में देखने को मिलेंगे। अपन को कोई दिक्कत नहीं है इन कबूतरों से, वो दौड़ा ही रहा है, हो सकता है जल्दी अंडे रखवाएगा। और देखिए धीरे धीरे सभी नए कबूतर आ चुके हैं, सभी कबूतर आ चुके हैं, नए कबूतर तो इसमें हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा है मेरे नए कबूतर, और एक साइड का पर इनका खुल गया था, तो मैं अभी इनके दूसरे साइड का भी पर खोलूँगा। और ये जो कबूतर हैं ये भी आ जाएं, फिर इनका भी पर खोलना है। तो अपन 3 नए कबूतरों के पर खोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये पानी पीने ही आए हैं, और साफ़ पानी अपन भर देते हैं। साफ पानी से भी काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों, क्योंकि बीट का पानी पीने से कबूतर बीमार पड़ जाता है जल्दी। तो इसीलिए मैं दिन में कम से कम 3 या 4 बार साफ़ पानी डालता हूँ। ये एक और डोंगा डाल देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने भर दिया पूरा साफ़ पानी, और ये रात तक फिर गंदा कर देंगे, तो रात में मैं फिर बदल दूँगा, और रात को तो हटा ही देता हूँ, फिर सुबह ना रखता हूँ। चलिए दोस्तों, देख अब अपन दाना डाल लेते हैं, क्योंकि दाने का भी टाइम हो चुका है। तो ये भाई अभी बोरा बिछा रहा है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भाई मैं अभी इनको दाने में क्या दे रहा हूँ अभी के टाइम पर। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको दाने की तरफ, इसमें भर के लाएंगे अपन दाना। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग, ये है 2 टन, इसके अंदर मिक्स है मतलब छोटे गेहूँ जो कि बिनने के बाद बचते हैं, और इसके अंदर है राई। राई दोस्तों काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और थोड़ी सी चावल की 2 टन। तो अभी अपन डाल देते हैं ये। ये है बिल्कुल बारीक दाना दोस्तों, और इसमें चावल भी हैं, और ये थोड़े बहुत चने भी डाल दिए। अब आपको मैं लेके चलता हूँ हेल्दी चीज़, जो कि आपको बताता हूँ। इसमें है दोस्तों सिर्फ बाजरा ही बाजरा, ये देख सकते हैं फुल बाजरा से भरी है। तो इसमें मैं रखता हूँ बाजरा, और इसमें है कबूतरों के लिए गेहूँ, ये पूरा कबूतरों के लिए है दोस्तों। आप देखो कितनी बड़ी टंकी है, तो इसको भी ले जाओ पूरा भर के। देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें हम और हमारे एक मामा हैं, वो भी कबूतर पालते हैं, तो बिल्कुल घर के पास ही पालते हैं, मतलब ये दीवार के उस तरफ। तो क्या है, उनके पास भी कम से कम 30-35 कबूतर हैं, तो वो 30-35 कबूतरों का दाना उनने कहा था भाई तुम्हारे इसमें ही रख दो, अपन मिल बांट के ले आते हैं। तो हम लोग साथ ही लाए थे, और दाना वो भी लेते रहते हैं, हम भी लेते रहते हैं। तो टोटल 50-60 कबूतरों का दाना अभी रखा है, एक आध महीने तो कम से कम चलेगा ही। और दोस्तों देखिए आप लोग, सभी कबूतरों को अगर आप 2 बार टाइम पे खाना देंगे तो ऐसे ही भिरा के खाएंगे, और यही काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो ये रहा मेरा नया 2 बास। इसकी भी एक बात हुई है भाई, सागर के कोई भाई हैं तो वो बोल रहे थे कि इसको डिलीवर कर दो, तो थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी मेरी, तो अभी अच्छे से बात नहीं हुई, तो अच्छे से बात हो जाएगी तो मैं ये भेज दूँगा। और हो सकता है वो 2 बास वाली जोड़, वो 2 बास जोड़ भी आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में ना देखने को मिले। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हम खाना के मतलब क्या क्या देते हैं। तो आप देखिए, इसमें राई है बारीक, और बाजरा है, गेहूं है, और छोटे गेहूं के दाने भी हैं ताकि बच्चे खा लें,
और भाई थोड़ा मतलब थोड़े से चावल हैं, चावल ऐसे देते नहीं हैं लेकिन थोड़े से मिक्स हो गए थे तो चावल हैं। तो यार एक काम करो, ये दोबारा इसको पकड़ लाओ, अपन इसके पर खोल लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाऊंगा मतलब पर खोलते हुए, क्योंकि अपन भाई की राय एक बार चेक कर लो, क्योंकि उसकी दुम क्या है थोड़ी सी कम लग रही है। मतलब कल लास्ट वाली वीडियो में आपने देखी थी तो अच्छी खासी खड़ी थी, मतलब अंडा कंफर्म था। अभी थोड़ी कम लग रही है, देखो तो हो सकता है शायद अंडा दे दिया। तो वो जो लॉफ्ट है अपना सबसे पुराना, वो जिसमें कबूतर शायद पालना शुरू किए थे वो, तो चलिए उस लॉफ्ट को चेक करते हैं भाई। दिक्कत क्या है, इस पे चढ़ के फिर वहाँ से वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता, इसीलिए मैंने फिर ये दायां बड़ा लॉफ्ट बनवाया था, क्योंकि मैं आपको सही से अपडेट नहीं दे पाता था। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल ही देता हूँ इसका गेट। ये लॉफ्ट भी काफ़ी बढ़िया था दोस्तों, बिल्ली खोल नहीं पाती थी क्योंकि काफ़ी जुगाड़ों से इसका गेट बना था और अभी भी काम में आ रहा है। ऊपर कबूतर भी बैठते हैं, तो अभी मैं खड़ा हो जाता हूँ इसके ऊपर और देखते हैं भाई इनने अंडा दिया नहीं दिया। स्टूल पकड़ लो यार, मैं गिर ना जाऊं। स्टूल क्या बोला तूने? स्टूल तो पकड़ो दोस्तों, डर लग रहा है मुझे। देखिए आप लोग मैं कैसे खड़ा हूँ। तो भाई अंडे तो मुझे दिख रहे हैं और शायद दोनों अंडे दे दिए हैं, देखो हाँ दोनों ही दे दिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या है मैंने घास भी जमाई थी जब बहुत सारी हो गई थी, तो कुछ बच्चे रखे थे तो उनने फ्लैट कर ली थी। तो आप लोग देखिए भाई हमारे इतने पुराने लॉफ्ट में 2 नए अंडे, वो भी नए कबूतरों के, जो कि मैं 3-4 दिन पहले ही कबूतर लाया था और मैंने बोला ही था भाई कंफर्म ब्रीडिंग पे हैं, सेल के लिए भी हैं, लेकिन उनने अंडे यहीं हमारे यहीं दे दिए। तो अब हम क्या करते हैं, अंडों को हटा देते हैं क्योंकि ये जोड़ क्या है सेल हो जाएगी। ये देखिए आप लोग, ये लो ये मैंने दे दिए भाई को अंडे। भाई कह रहा है काफी बड़े अंडे हैं भाई, तो जोड़ भी तो कितनी बेहतरीन है, और उसके बाद चोटी पैर मुझे बच्चे निकाल दी। तो चलिए दोस्तों मैं अब उतर जाता हूँ। आपको मैंने बताना था, मुझे लगा था भाई एक ही अंडा दिया है, मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ और इनके पर भी खोल लेंगे, क्योंकि भाई अब तो ये जब सेल होंगे जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो इनके पर बांधना मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि 5-6 दिन हो चुके हैं अभी तक पर बने, और फैंसी में तो कभी कभी एक दिन में भी आप पर खोल सकते हो, जैसे कि मैंने अपने शिराजियों के एक दिन में खोल लिए थे वो वाले शिराजियों के। तो अभी मैं इसके दोनों पर खोल लूँगा क्योंकि इसने हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दी और बहुत अच्छा सरप्राइज़ दे दिया, वो भी पुराने वाले लॉफ्ट में गया और अंडे दे दिए। तो चलो भाई इसको अब पकड़ लाओ, अपन इसके पर खोल लेते हैं। अब तो दाना भी खा चुका, देखो अब तो दाना भी खा चुका। देखिए बहुत शौक से रोटी भी खा रही है। अभी मैं जब आपको अंडे बता रहा था तो भाई ने क्या है रोटी भी चूर करके डाल दी, तो आज रोटी भी दे दी। आज कम से कम 6 या 7 आइटम दे दिए कबूतरों को दाने में। ये देखो और रोटी भी डाल रहा है भाई। तो यही है ना, मैं ही पकड़ लूँ क्या? आजा आजा आजा, अरे यार दूर जा रहा है। पकड़ लिया पकड़ लिया। चलो इसके पर खोल देते हैं अपन, एक ही साइड का तो बचा, एक तो इसने खुद ही खोल लिया था। और फिर एक काम करो इसको लॉफ्ट दिखाओ, लाओ मैं दिखाऊं। देखो देखिए दोस्तों अपन ने इसके दोनों साइड के पर खोल लिए हैं, और क्या हुआ था ये परसों सुबह भाग गई थी, भाग गई थी मतलब ऊपर चली गई ऊपर वाली छत पे पर बनने में, पर बनने में फिर बहुत दूर चली गई थी। देखा मुझे दो, मुझे तो दो। तो ये उसका लॉफ्ट है, ये देखो ये गई, तो मैंने इसको फेंक भी दिया आप लोगों के सामने। तो अब हो सकता है थोड़ी देर में अंदर भी चली आए, टाइम लगेगा जाने में, पहले टंकी पे आएगी। जितने भी नए कबूतर हैं हमारे मतलब पुराने भी थे वो पहले इस पे आते थे फिर वहाँ से अंदर जाते थे। तो अभी मैं क्या करता हूँ नर के भी पकड़ के पर खोल देता हूँ। वो देखो वापस भी आ गई। तो भाई ये तो अब कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पता है फैंसी हैं वैसे भी कहीं नहीं जाते। तो नर को और पकड़ लेते हैं फिर उसके भी पर खोल लेते हैं अपन। ये आ गया दोस्तों अपना नर, दोबाज नर, तो इसके भी भाई पर खोल लो। अब इसके दोनों साइड के बने, एक ही साइड का बना, शायद एक ही बना, एक ही बना इसका भी, इसने भी खोल लिया होगा शायद। तो दोस्तों देखिए अभी इसका दूसरा पर भी खोल, वो इसके इसके भी पर खोलना है अपन, और इसका दूसरे साइड का भी कंफर्म देख लेना बना है खुला है। तो इसके पर भी अपन ने खोल लिया अब। तो भाई देखिए दो बार इसके भी दोनों पर खोल लिए हैं, दोनों ही बने थे। इसको भी छोड़ देता हूँ ऊपर। अरे ये तो निकल गया, नहीं नहीं निकला नहीं, मतलब तीनों पे चला गया। ये देखिए आप लोग, और इसके भी खोल दिए और इसकी मादी के भी खोल दिए, और ये कहीं कहाँ जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं आएंगे यार। वो देखो आ गया वापस। तो
तो देखिए आपके सामने मैंने दोनों पर खोल दिए और ये वापस नीचे भी आ गया। इसके और खोल लो, ये बेचारी बची है, इसके और खोल लो बस। दोस्तों एक और माती जो मैंने आपको बताई थी फुल वाइट, एकदम इसकी जो काली है इसको भी पकड़ लेते हैं और इसके पर भी अपन खोल लेते हैं। तो इसका भी शायद एक ही पर बना है। तो भाई इसके भी दोनों पर खोल दिए हैं दोनों साइड के। और भाई कह रहा था कि भाई आज सेल हो जाएगी, तो मैंने कहा भाई जब होगी अपन तो अभी तो पर खोलने, तो देखते हैं लॉफ्ट में जाएगी नहीं जाएगी। तो ये तो अभी चली गई टंकी पे, हो सकता है यहाँ से फिर वो चली जाए। ये मुट्टो आ गया। तो देखिए मैंने तीनों कबूतरों के पर खोल दिए और जो अपने पुराना लॉफ्ट था उसमें तीनों मतलब इस जोड़ ने अंडे भी दे दिए, ये दो बाज वाली जोड़ ने। तो काफ़ी खुशी हुई दोस्तों, जब सब ब्रीडिंग ख़राब हो चुकी थी, जब सबके अंडे बच्चे मर चुके थे, तो अपन जो नए कबूतर लाए उनने 4 या 5 दिन में ही अंडे दे दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो दोस्तों मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है और यही बताना था कि भाई नए कबूतरों ने अंडे दे दिए और मुझे तीनों के पर खोलना थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं भाई पर खोलते हुए, तो मैंने आपको पर खोलते हुए भी बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो भी भाई मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।